ये जब प्रशासन को सही सही बात कहते हैं, जब पंचायत के खिलाफ बात उगलने का काम करते हैं, कोई अधिकारी आने वाले हैं इस पंचायत भवन पे, तो यहाँ उनके द्वारा बयान दिया जाता है कि भागो यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला है, कोई कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो प्रशासन पे भरोसा छोड़िए, किस पे भरोसा किया जाएगा? किसके सहारे यहाँ के लोग समस्या सुनाएंगे? यहाँ के जनमानस किसके सहारे लोगों को बताएंगे? हर समस्या को कैसे व्याख्या करेंगे? शौचालय ना है, शौचालय नहीं मिला ना, है ना, नहीं मिला। इंदिरा आवास मिला का ना? इंदिरा आवास बकरी सेट कुछ फायदा ना, कुछ ना, कुछ फायदा ना, कुछ ना। मुखिया जी की तरफ से कोई चीज ना मिला, कोई चीज ना मिला। आप बिहार न्यूज से आप सभी को आदाब सलाम प्रणाम। आज हम आए हैं मीरपुर पताड़, कार्यालय ग्राम पंचायत राज मीरपुर पताड़, प्रखंड राजा पाकर, जिला वैशाली। आप देख सकते हैं कि मुखिया श्रीमती गीता देवी का यहाँ पे लगा हुआ है, मोबाइल नंबर दी गई है, लेकिन मोबाइल भी जो नंबर है आधा मिटा हुआ है। यहाँ जब हम निरीक्षण के लिए आए, आज यहाँ पे कुछ अधिकारी लोग आने वाले, पता चला है कि जब यहाँ पे जब हम आए इस पंचायत भवन में, तो ताला के अलावा यहाँ ना मुखिया जी है, ना आरटीपीएस काउंटर के लोग हैं। जब ताला ही बंद होंगे तो क्या हाल होगा, क्या दुर्दशा होगा? हम जानकारी लेना चाहेंगे यहाँ के ग्रामीणों को, उसे भी पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये ताला लगी हुई है इस पंचायत भवन में, ना कोई है, किनसे जानकारी लोग लेंगे? लोग कह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा हमें टॉर्चर किया जा रहा है। इसलिए टॉर्चर किया जा रहा है कि हम यहाँ पे जो जन यहाँ पे अधिकारी जो आने वाले हैं, उनसे हम कुछ अपने विषय में बोलेंगे, अपने पंचायत के विषय में बोलेंगे, जो काम नहीं हुआ है उसके खिलाफ, उसके लिए हम एप्लीकेशन देंगे। इसीलिए यहाँ के कुछ लोग का कहना है कि यहाँ के कुछ ऐसे लोग जो प्रशासन को कॉल किया और हम लोगों को टॉर्चर करने का काम किया है। ग्रामीणों से हम बात करना चाहते हैं, क्या दिक्कत हुआ है सर? सर हम लोग जाँच आने वाला था। जी जी। जाँच आने के बाद हम लोग 10 बजे से टाइम है, 11 बजे 10 बजे का, 10 बजे से बैठे हुए हैं। अच्छा। बैठने के बाद प्रशासन आ गया सराय थाना जी, तो कहता है कि तू लोग क्या करते हैं यहाँ। अच्छा। लोग बोले कि नहीं सर, जाँच आने वाला को दिक्कत है पंचायती राज में, वो दिखाना है वार्ड। बिल्कुल बिल्कुल है। तो इसके बाद प्रशासन भागो यहाँ से, लोग का काम धंधा नहीं है यहाँ पर, है बैठा हो जाओ कमाओ खाओ। देखिए जब प्रशासन को सही सही बात कहते हैं, जब पंचायत के खिलाफ बात उगलने का काम करते हैं, कोई अधिकारी आने वाले हैं इस पंचायत भवन पे, तो यहाँ उनके द्वारा बयान दिया जाता है कि भागो यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला है, कोई कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो प्रशासन पे भरोसा छोड़िए, किस पे भरोसा किया जाएगा? सबसे बड़ी धब्बा मारने की काम है कि इस पंचायत भवन में जो मुखिया साहिबा है गीता देवी, उनकी उपस्थिति नहीं है। यहाँ पे होना चाहिए था, इस पंचायत सरकार भवन में होना चाहिए था। आरटीपीएस काउंटर पर आरटीपीएस साहब होते, जो लोग की हर जनमानस की समस्याओं को सुनते, लेकिन कौन सुनेगा? किसके बसरते पंचायत चलेगी? 2 नंबर की काम, 2 नंबर की बोली और 2 नंबर की लाठी चार्ज करवाएंगे तब जाकर होगा क्या? पंचायत के विकास के लिए लोगों की समस्या, जनमानस की समस्याओं को देखना होगा। हम यहाँ के लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे कि इस पंचायत भवन की जो जंजर स्थिति है, जंजर इसलिए है कि इस पंचायत भवन में समस्या कौन सुनेगा? जब मुखिया साहिबा रहेगी ही नहीं, तो इस पंचायत भवन में जब आरटीपीएस काउंटर पर आरटीपीएस वाले जो बैठते हैं वो रहेंगे ही नहीं, तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट से लेके वृद्धा सर्टिफिकेट से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके कौन बनाएगा? सबसे बड़ी धब्बा मारने वाली काम है। और हम यहाँ के अधिकारियों से, ब्लॉक लेवल के वीडियो साहब से, सीओ मैडम से, बीपीआरओ साहब से हम ये पूछताछ जरूर करेंगे ब्लॉक में जाके कि यहाँ अगर किसी से जानकारी लेना होगा तो ये ताला से लेंगे क्या? बराबर बंद रहता है, बराबर बंद रहता है। यहाँ के लोगों से हम बयान लेंगे कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या समस्या है। लगभग ये दूसरा बार यहाँ मुखिया जी जीते हैं, लेकिन मुखिया जी जीतने के बाद जनता को आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? संजय कुमार शर्मा। हमें जानकारी दे कि ये ताला बंद है, आप देख रहे हैं, तो फिर विकास कैसे? तो मुखिया जी का दूरा पर चलता है ऑफिस, दूरा पर चलता है पंचायत सेवा के, उसको कोई चिंता नहीं है जनता का, पंचायत सेवा को नहीं की गिरफ्त में। इसमें आरटीपीएस काउंटर होना चाहिए था, जो EWS और क्या कहते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, मुखिया जी के दूरा पर। ऐसा कहाँ का प्रावधान है कि जो मुखिया जी के दूरा पर चले कार्यालय और लोगों की समस्याओं को यहाँ कुचला जाए और प्रशासन के द्वारा ठगला जाए? वो तो वर्चस्व है, दबंग मुखिया है, वो दबंग मुखिया बोलते भी है कि हम दबंग हम किसी अधिकारी को तो खिला फिरा कर निकाल लेते हैं। बहुत बड़ी सवाल है, संजय जी का कहना है कि अपने आप को कहते हैं कि हम दबंग मुखिया है,
और जब हम यहाँ जानकारी लेने आए तो पता चला कि जानकारी ले तो किससे ले, लिंक के असली ताला है कि डुप्लीकेट है भी कहना मुश्किल है। हम यहाँ के लोगों से थोड़ा बात करना चाहेंगे। भाई साहब क्या दिक्कत है? वो नल जल के लिए मतलब हम लोग यहाँ SDO लोग आने वाले, ADM साहब आने वाले भी नारायणपुर हुजूर पंचायत में दौरा कर रहे हैं। लोग बोला कि चलो वहाँ जो प्रस्ताव रखा जाए तब जो है गांव में विकास होगा जी। तो सराय थाना है यहाँ पे, बोला हम लोगों को कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, वार्ड का काम है तो वार्ड, उन्होंने बोला भी कि वार्ड का काम है वार्ड करेगा जी। वार्ड आप देख सकते हैं, युवा है, कंप्लेन लेकर आए थे नल जल का, और प्रशासनिक गुंडागर्दी के द्वारा इन पर कैसे अत्याचार किया जाता है, बोला जाता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे सर भाई, पंचायत सरकार भवन में पंचायत के ही लोग ना आएंगे कि विदेश के लोग आएंगे कंप्लेन करने? ये सबसे बड़ी सवाल है, हम ये जांच की विषय है। जो ADM साहब आ रहे हैं वो भी जांच करें, संज्ञान में ले कि प्रशासन यहाँ पे आते हैं और लोगों को समस्याओं को कुचलने का काम करते हैं। क्या दिक्कत है आपको? हम इस पंचायत के, मेरी माँ उप मुखिया जी, उप मुखिया के ऊपर पदासीन है जी। आज पता चला कि पंचायत निरीक्षण होने वाली है जी, तो इसके लिए हम सारे वार्ड को सूचना करके और यहाँ पे आए जी। तो सराय थाना अध्यक्ष अनिल कुमार जी के द्वारा हम लोगों के यहाँ से भगाने का काम किया गया। आपका नया पंचायत सरकार भवन कहाँ बना है? अभी तो नहीं बना है, अभी तो जगह का ही चयन हो रहा था, जो कि सुनने में आया कि यहीं पर जगह का चयन हुआ है। वर्तमान में जो है इसमें मिट्टी भरने का काम हुआ है? हाँ, मिट्टी भराई काम हुआ है, लेकिन मिट्टी तो अभी देख ही रहा है ना, पूरा पानी लगा हुआ है, मिट्टी भराई हो गया और अभी भी गबरा है, ये भी काम सही से नहीं, मिट्टी भरने का काम नहीं हुआ सही ढंग से। मनरेगा में और भी काम होता है? मनरेगा में अभी बहुत जगह लूट घसोट हुआ है। अच्छा, और ये मुखिया इंदिरा आवास पर आपका क्या बोलना है? दो सब पंचायत में जो भी योजना होती है। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? मेरे को पता है, पंचायत में हुआ। आपका इंदिरा आवास मिला है जी? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हम तो इसमें लगे हुए सर, तभी तक तो मेरे से ऊपर नीचे का जो भी लोग है उसको, मुखिया जी से आपने बात किया तो अभी तक बोल रहे हैं कि हो जाएगा। सिर्फ आशा जी, आशा में झांसा मिला या काम लग रहा है? अभी तक तो झांसा ही आशा, झांसा मिला। आप देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हमने आस जताई, एक बार नहीं दूसरा बार भी मौका मिला, लेकिन आशा में झांसा देने का काम किए। हम यहाँ के लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे और लोग, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश कुमार तमाशेवी जी, और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, ग्राम ढूंढी जी, पंचायत राज में जी। यहां मुख्य रूप से जो है, जो सरकार की जो प्रायोजित योजना है जी, यहां तक कि सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना शुमार है, और उस नल जल योजना का जिस समय कार्यकारी एजेंसी कार्य कर रही है, तो बगैर वार्ड क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किए बगैर समरसेबल और पंप जो है लगा दिया, जिसका प्रतिफल है कि आज वार्ड के संपूर्ण क्षेत्रों में जो है नल जल की सुविधा नहीं मिल पा रही है सुलभ ढंग जी। और यहाँ जो वार्ड स्तरीय प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति का जो गठन किया गया, वो अत्यंत ही गोपनीय तरीकों से संपूर्ण 14 वार्ड है इस पंचायत में, 14 वार्ड में आपके यहाँ पता चला है कि बीज भी घोटाला हो चुका है। बीज के में किसानों के मिलने वाली जो प्रायोजित सुविधाएं हैं वो जो है बिल्कुल जो है सो सर्वसुलभ ढंग से जो है सो नहीं मिल पा रही है। यहाँ के स्थानीय लोग जो है सो BO साहब से भी मुलाकात करते रहते हैं, तो BO साहब जो है सो बहुत कम ही दिन कार्यालय में उपस्थित होते हैं, और नतीजा है कि यहाँ जो है सो लोगों के नाम पर जो है बीज का जो है सो OTP सत्यापन कर लिया जाता है, और यहाँ किसानों को जानकारी तक नहीं होती है, और बीज का उठाव हो भी जाता है वहाँ, तो ये सब कमी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी जो है सो संपूर्ण वार्ड में 14 वार्ड में जो यहाँ जो वार्ड स्तरीय प्रबंधन समिति का जो गठन किया गया जी, वो नियमावली को ताक पर रख के किया गया है, और बगैर वार्ड सभा किए अपने जो चहेते लोगों को वार्ड प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया जी, जिसके कारण यहाँ तमाम योजना बिचौलियों के हाथों में पड़ी हुई है। सबसे बड़ा इनका कथन है कि बिचौलियों के द्वारा काम किया जाता है। अच्छा, आपके यहाँ स्वास्थ्य भवन कहाँ है? स्वास्थ्य भवन कहिएगा तो बहुत पुराना स्वास्थ्य भवन जो है स्थापित की गई, वहाँ पे आते हैं सही ढंग से? भवन नदारत है, किसी भी सरकारी भवन में अभी चलाया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधियों द्वारा या सरकारी स्तर से
उसके भवन निर्माण के संबंध में कोई जो है सो चर्चा नहीं की जाती है, कोई प्रस्ताव नहीं लिया जाता है। जैसे यहाँ के प्रतिनिधियों को ऐसा एहसास होता है कि स्वास्थ्य जैसे चीज़ों अमूलभूत चीज़ों का लाभ मिले नहीं मिले उससे क्या फ़ायदा है, जबकि स्वास्थ्य प्रत्येक योजना में प्रथम श्रेणी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ पंचायत के लोग स्वस्थ नहीं होंगे, सुलभ ढंग से चिकित्सीय सुविधा नहीं मिलेगी, तो क्या जो है सो पंचायत का सर्वांगीण विकास की कल्पना की जा सकती है? नहीं। हम जानकारी लेना चाहेंगे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से, बड़े बुजुर्ग युवाओं से पूछ लिए, अब हम छोटे बच्चों से जानकारी लेंगे। छोटे बच्चे दिल के बहुत सच्चे होते हैं, सही बताएंगे, जानकारी देंगे। अच्छा, पंचायत भवन में ताला लगा हुआ है, पंचायत भवन में मुखिया जी आते हैं? नहीं आते। कहाँ नहीं आते? आप लोग नहीं जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते। मुखिया जी काम करते हैं आप लोग के इलाका में? काटते। क्या करते? नल जल का काम, शौचालय का काम करते हैं? इंदिरा आवास मिला है अब आप घर में रहने का? छोटे छोटे बच्चों से हम जानकारी लेंगे। आपको शौचालय मिला है बाबू? नहीं मिला है। घर पे शौचालय नहीं है, खेत में जाते हो? आप देख सकते हैं बच्चा भविष्य होता है, देश का भविष्य है। मुखिया जी पर ये आरोप लगा रहा है कि हमें शौचालय नहीं मिला है। मुखिया दूसरा टर्म में है, लेकिन 5 साल के बाद छठा चल रहा है या 7वां साल चल रहा है, लेकिन अभी तक ये बच्चा के घर में शौचालय नहीं मिला है। सबसे बड़ी वीडियो साहब को संज्ञान में लेने की बात है। हम यहाँ पे चाची से जानकारी लेना चाहेंगे। घर में शौचालय ना है, शौचालय ना है। शौचालय नहीं मिला है? नहीं मिला। इंदिरा आवास मिला का? इंदिरा बकरी से कुछ ना, मुखिया जी की तरफ से कोई चीज ना मिला? कोई चीज ना मिला। आपका नाम क्या हुआ? कबूतरी देवी। कबूतरी देवी का बेटा? क्या भगलू पासवान बेटा? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। आप देख सकते हैं बच्चा के बाद बूढ़ी दादी जो है उनका कहना है कि हमें कुछ नहीं मिला है। अब यहाँ के हम लोगों से पूछना चाहेंगे, जब कुछ नहीं मिला तो फिर दूसरा बार आप मुखिया को मौका दिए तो क्या? पानी पिए? जब कुछ नहीं मिला है तो फिर मुखिया जी को आप दूसरा बार मौका क्यों दिए? मौका इसलिए, मौका पे धोखा सो जाता है। मौका धोखा से मतलब काम किए ही नहीं, काम कहाँ भी धोखा है और काम आगे भी होगा नहीं करेगा। सीधे सीधे युवाओं का आरोप है कि काम होगा भी नहीं, काम कुछ किए भी नहीं। हमारे नया बिहार के टीम और जानकारी देंगे आपको इस फील्ड में, इस ग्राउंड में जो पानी जमती हुई है, काफी दिनों से मिट्टी भरन का काम होता तो फिर रोड के ऊपर पानी छहल जाती, लेकिन क्या है कि मिट्टी ही भरा गया कि इसमें भी घोटाला किया गया। पीछे का दिखाओ ना, थी आप देख सकते हैं, जीता जागता साबूत है, उदाहरण है कि पानी इस ग्राउंड के बीच में जमका हुआ है। इस पर ना मिट्टी कितना भरा, क्या भरा गया पता नहीं। इस फील्ड में बच्चे खेलते कूदते, लोग आते जाते, लेकिन इस पानी की वजह से क्या होगा पता नहीं। अगर मिट्टी भरी जाती तो रोड के ऊपर से पानी जाता, ना कि रोड के नीचे मिट्टी भरन के बाद ये स्थल बनता। मैदान जो है आप हम जानकारी लेंगे, ये कार्यालय ग्राम पंचायत राजपुर मीरपुर पताट प्रखंड राजा पाकर जिला वैशाली के बीच है। मुखिया यहाँ के श्रीमती गीता देवी जी है, जो गीता जो है वो मिटा हुआ है, हमारे कैमरा के माध्यम से देखेंगे आप। मोबाइल नंबर भी आधा दी गई है और आधा हटा दिया गया है। अब विकास पूरा होगा या आधा होगा ये कहना 15 अगस्त में पेंटिंग करना था, वो भी नहीं हुआ, झंडा तुलना ऐसे ही हो। लोगों का कहना है यहाँ पे 15 अगस्त में क्या बोले? 15 अगस्त में इनका पेंटिंग उंटिंग कराना था, जो कि पेंटिंग भी नहीं कराया गया, आधा अधूरा नाम भी लिखा हुआ है मुखिया जी का, जो इनको पूरा। सबसे बड़ा आरोप है कि पेंटिंग कराना था, पेंटिंग किए नहीं तो फिर फंड गया कहाँ? जलेबी खिलाए थे कि वो भी नहीं, जलेबी हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं था। पानी नहीं है, जलेबी पानी भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, नल जल बंद है, नल जल। ये तो देश के प्रति भी, वो राष्ट्रीय जलेबी तो छोड़िए, पानी भी नहीं। हाँ, सामूहिक शौचालय का थोड़ा हाल देख लिया जाए। क्या बोले आप, क्या बोले? बोले सामुदायिक शौचालय जो है बना हुआ, क्या बोला? ताला मारा हुआ है उसमें। बोलिए क्या बोले? शौचालय जो सामूहिक शौचालय है वो देखिए क्या हाल है। हम आपको दिखाएंगे जो शौचालय है, सामूहिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय जो गरीब गुरुओं के लिए होता है, उसका हाल क्या बना रखे हैं मुखिया जी, उनके बारे में भी देखिए। लोग को पावर शौचालय है, सामुदायिक शौचालय हो तो दूसरी नंबर की बात। इसके नीचे जब लोग जाएंगे तो कचरा को रेंगते जाएंगे। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत का मिशन चलाए थे हमारे मोदी जी, आपके मोदी जी, आपके क्षेत्र के लोग। ये जीता जागता मुखिया जी का उदाहरण है कि नीचे शिखर के पैकेट से लेके प्लास्टिक के बोतल से लेके हर चीज रखा गया है, लेकिन साफ सफाई मनरेगा के थ्रू करवाना था। मुखिया जी आपका कहा गया योजना, हम आपको बताएंगे अपने मीडियाओं के माध्यम से, अपने कैमरों के माध्यम से। ताला लगी हुई है,
लोग इसमें शौचालय करने जाएंगे तो कैसे? सालों पुराना है, इधर आ जाइए आप, बयान दे दो दिन है रास्ता, उधर भी ताला लगा, कितना दिन पहले बंद हुआ ये ताला देख के अंदाजा लगा सकते हैं। जंग लगाई, जंग लगा हुआ है ताला पे, जो उसके बाद क्वालिटी देख सकते हैं आप, झर रहा है, ये झर रहा है, गिरने के योग्य में है, झर रहा है, देख सकते हैं। और इधर कैमरा नचा दिया जाए कि अगर सुलभ जो शौचालय है खुल भी जाए सामुदायिक शौचालय, तो फिर इसका दृश्य क्या होगा, सांप से बचना होगा, अंदर भी लोग आएंगे कैसे, उधर भी एक गेट है, इतना जंजर स्थिति इस पंचायत का कहना बहुत ही मुश्किल है। लोगों का इधर पिक्चर दिखा दिया जाए कि लोग में इतना क्रोश है, कुछ कहने लायक नहीं, युवा है, हम जानकारी लेंगे कि आपके पंचायत में विकास हुआ है, आप अपने मुखिया को कुछ बोले है विकास के बारे में, बोले है कुछ, बोले काम करने के लिए, काम करने के लिए बोले हैं उनको कि काम कीजिए, काम करने के लिए बोले हैं मगर नहीं किए, नहीं किए, क्या बोले, अभी फंड नहीं, बोले हैं कि अभी फंड नहीं। देख सकते हैं कि युवा का कहना है कि हम जब बोले मुखिया जी को काम करने के लिए, तो सीधे उन्होंने जवाब दिया कि मुझे फंड नहीं, हम नहीं कर सकते। आप देख सकते इस काउंटर का विशेष उपलब्ध सुविधाएं, अगर एक काउंटर खुला हुआ रहता तो जाति आय निवास प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाता, कहां जाएंगे लोग, साइबर कैब में जाएंगे, अपने पैसे गलाएंगे, सरकारी योजना गरीबों के बीच में पहुंचाने के लिए काउंटर खोलना चाहिए, कहां खुलेगा, कहां गीता देवी की गई योजना, लोग यहां आक्रोशित है, जांच के लिए आज एडीएम साहब आ रहे हैं, डीसीआर साहब क्या क्या आ रहे हैं, राजस्व विभाग के लोग आ रहे हैं, डीडीसी आ रहे हैं, जांच में लोग यहां आक्रोश है, तो यहां बताया जाता है कि प्रशासन, सराय प्रशासन आती है और फिर यहां पे लोगों को धमका कर और भेज दिया जाता है। किसके सहारे यहाँ के लोग समस्या सुनाएंगे, यहाँ के जनमानव किसके सहारे लोगों को बताएंगे, हर समस्या को कैसे व्याख्या करेंगे, विकास के नाम पर विनाश करने का यह पंचायत काम कर रहा है, विकास के नाम पर गरीबों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है मीरपुर पताड़ पंचायत के मुखिया हो या मुखिया पति हो या कोई भी अधिकारी हो। हमारा नया बिहार न्यूज, अगर आप गलत कीजिएगा तो डरेगा नहीं, रेलेगा भी, और जब तक जनता जागेगी नहीं तो जगाने का भी काम करेगा। आप देख रहे हैं ना हमारे नया बिहार न्यूज के माध्यम से लोग कितने आक्रोशित है, यहाँ से लेके वहां तक लोग का भीड़ इकट्ठा है, लोग किस लिए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं कि विकास हो विनाश नहीं हो, पंचायत में विकास करने का काम करने का वादा करते हैं आप तब जीतते हैं, आपको वोट देता है, लेकिन फिर क्या होता है, यही दिन देखने के लिए स्ट्रीट लाइट जो आया जो पोल में लगने के लिए खंभा में लगने के लिए वो भी खा गया, वो भी चला गया, अभी तक नहीं लगा, पानी चल रहा है, पानी जो है पानी, नाम क्या हुआ, मेरा नाम गणेश राय हुआ, गणेश राय क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है, दिक्कत है जो मुखिया जी को आज भी बात हुआ जी, आज मुखिया जी को हम कहे जे 15 तारीख को घोरपरास कहते हैं जे मार दिए और दो चक्का पर मेरे बेटा को सीरियस है, हॉस्पिटल में भर्ती किए हुए हैं, आज भी मुखिया जी बोले जे सरकार तो एक पैसा देता नहीं है घोरपरास मारने के लिए, तो हम क्या करें। मुखिया जी इस समय वोट लिए थे उस समय कुछ कहे थे आपको? ना, कुछ नहीं कहते, कहते कि वोट मुझे दीजिए आपको क्या करें, अच्छा से काम करेंगे नहीं करेंगे, वो कहते थे जे हम डबल में कितना पैसा होगा वो राजनीति द्वारा हम लोग उनको क्या डबल में, क्या डबल पैसा पर खरीद दे, अच्छा पैसा पर वोट कर दे, वोट खरीद दे, और हमको कहे पैसा देते थे तो हम पैसा नहीं दिए तो मेरे से पूरे बरखिलाफ चल रहे हैं। इनका सीधे सीधे आरोप है कि हमें बहुत चीज में पैसा मांगा गया, पैसा देने की बात हो गई तो हमने ऐसा किया कि नहीं लेने से इनकार किया चाहे ये किया, तो हमसे बरखिलाफ चल रहे हैं, मुखिया जी अपने वादा पे सही ढंग से नहीं चल रहे हैं। हम और लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे कि इससे आपका नाम क्या है? राम बाबू राव। क्या आपके पंचायत में विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? विनाश हो रहा है। विनाश कैसे हो रहा है? विनाश दलाल पाले हुए हैं, खाली दलाल के थ्रू हर काम करते हैं। मुखिया जी जो है वो दलाल, मुखिया पति या मुखिया जी? मुखिया जी के पति करवा रहे हैं। नाम क्या हुआ उनका? धीरेन्द्र कुमार मिश्रा। धीरेन्द्र कुमार मिश्रा। अभी तक तो प्रभाव नहीं मिला हम वार्ड के, अभी तक प्रभाव नहीं मिला। वार्ड सदस्य? आप वार्ड सदस्य है? कितने नंबर वार्ड है? 6 नंबर। 6 नंबर में विकास का पोटरी भी नहीं खुला? कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन जीता हुआ कितना दिन हो गया, लोग चाहते हैं कि कैसे विकास होगा ना होगा इसका जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन बेचारे वार्ड करेंगे तो क्या करेंगे, इनके हाथ में पावर ही नहीं मिला है, कलम मिल गया है लेकिन कॉपी नहीं मिल चुका है। मुखिया जी और मुखिया पति से मेरा आग्रह है कि आप इस हमारे नया बिहार न्यूज़ के माध्यम से अगर आप सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो कम से कम अपना पंचायत को विकास बनाइए, विकास के रूप में ले जाइए। दो नंबर विनाश मत कीजिए।
अब दो नंबर के दो नंबर उप मुखिया है, ये उप मुखिया है, उप मुखिया के पुत्र हुए हैं विनीता। आपके उप मुखिया के बेटे खुश नहीं, उप यानी कहने का मतलब उप मुखिया के घर वाले खुश नहीं है, तो फिर मुखिया कैसे चलेगा? सही न सही, दाल में कहीं काला है, इसे उजला करने का काम कीजिए, विशेष जानकारी और देंगे। ये सब आक्रोश है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है, आप देख रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा करके लोग हैं, जगह जगह से आए हुए हैं। आप क्या चाहते हैं, पंचायत भवन सही ढंग से चले? हाँ, हम लोग तो यही चाहते हैं कि पंचायत सही ढंग से खुले, सही ढंग से खुले। और आपका क्या चाहत है? मेरी चाहत है कि परसों पूर्व इस पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण लोगों की सुविधागत दृष्टिकोण से ध्यान देते हुए यहाँ गाँव के पंचायत के मध्य भाग में डुमरी गांव में अवस्थित किया गया। जी, ये पंचायत भवन बरसों से है और इस पंचायत भवन में जो कार्ड होनी चाहिए बहुत अच्छी है। सरकार ने लोगों की सुविधा हेतु जो है यहाँ पर लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत सुविधा मुहैया कराई है। उस सुविधा के अंतर्गत मिलने वाले प्रायोजित लाभ लोगों को नहीं मिल पा रही है। इनका सीधे सीधे कहना है कि यहाँ का जो प्रोजेक्ट है वो सही ढंग से सुचारू रूप से काम नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा आरोप है मुखिया पे, अधिकारी पे। हम और जानकारी लेंगे। यहाँ पे आपको क्या मनसा है? आप वार्ड है, आप लोगों से जीत कर आए हैं। मनसा यही है जो प्रभारी जो होता है यहाँ बैठे तब ना आएगा पब्लिक, तब विकास होगा। आपका क्या कहना है? यही कहना है कि सरकारी योजना जो फंड आता पंचायत सरकार, मुखिया जी विकास कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। मुखिया जी विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मुखिया जी विकास कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है, सुन लीजिए, मुखिया जी क्या कर रहे हैं? विकास वही कर रहे हैं कि अपनी मुखिया जो उनका नाम मिटा हुआ है, मोबाइल नंबर नहीं है इस पे। चलिए, लोग कहाँ कहाँ फोन करेंगे, कहाँ खोजेंगे। मुखिया जी विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कुछ नहीं किया है। शौचालय घर पर मिला है? नहीं। इंदिरा आवास? नहीं। मुखिया जी विकास कर रहे हैं? नहीं। मुखिया जी का नाम क्या है? गीता देवी। आप उनको देखे हैं? नहीं। देखिए, बच्चा अभी तक मुखिया जी को नहीं देखा। सबसे बड़ी सवाल है, मुखिया जी पंचायत में घूमना चाहिए था, आपको एक एक घर का ब्यौरा लेना चाहिए था, किसके यहाँ इंदिरा आवास है, नहीं है, लेकिन एक छोटा बच्चा भी आपको नहीं पहुँचा। मुखिया जी से क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? काम काज विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं, विकास क्या करेंगे? मुखिया जी विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं? आग में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। विकास तो यहाँ किए हैं कि हमारे दो नंबर वार्ड में दूसरी बार मुखिया बन गए, लेकिन अभी तक जल नल का पानी नहीं गिर रहा है। नीतीश बाबू, आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है नल जल योजना, नल जल योजना, लेकिन नल लग चुका है, जल का टंकी लग चुका है, उसमें 22 लाख से लेकर 18 लाख तक के एस्टीमेट पास हो गया होगा, बंदरबाट हो गया है, लेकिन गरीब गुरबा के घर पानी का तरस एक बूंद भी नहीं। पैसा नहीं है खाता से, पूरा पैसा निकल गया, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं किया गया। बात था, आपका क्या कहना है? मुखिया जी विकास कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं या आंख में धूल झोंक रहे हैं? ये धूल झोंक रहा है, धूल झोंक। और उनके साथ साथ इसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे पंचायत सचिव नवल कुमार पुष्कर जी का भी है। अच्छा, सबसे बड़ी सवाल नवल पुष्कर नारायण जी का आता है। इस प्रोजेक्ट का पर्दा के पीछे अगर कोई रोल निभाता है तो नवल पुष्कर नारायण जी। नवल पुष्कर नारायण जी, हमारे मीडिया के माध्यम से सुन लीजिए, आपके ऑफिस पे आएंगे और ये जानकारी लेंगे हम कि कहाँ तक वास्तविकता है, सही है या गलत है। ये नया बिहार की टीम आपके चेंबर तक पहुँचेगा, अगर आप गलत पकड़े जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा हमारे न्यूज़ के माध्यम से, ये जानकारी लेना यहाँ के लोग नहीं भूलेंगे। धन्यवाद, सुनते रहिए नया बिहार न्यूज़ की टीम के साथ।